आज हम स्कंद माता की कथा सुनेंगे। देवी स्कंद माता इस संसार की माता है, अपने सभी भक्तों पर प्रेम और करुणा बरसाती है। एक माँ के समान ही वो उन सबकी रक्षा और सहायता करती है जो इनकी शरण में आते हैं। स्कंद माता का अर्थ है स्कंद की माता। स्कंद अर्थात कार्तिकेय, माता पार्वती और महादेव के श्रेष्ठ पुत्र है ना? हाँ, कार्तिकेय का जन्म एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था और उनके जन्म की कथा अमरनाथ की गुफा से प्रारंभ होती है। वहाँ पर महादेव और माता पार्वती ने मिलकर तांडव और लस्सी नृत्य किया था और उस नृत्य की ऊर्जा से कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसके बाद वैष्णो देवी गांव में जाती है और कथा का आरंभ कुछ इस प्रकार से होता है। आज से कई सदियां पहले एक असुर था ताड़कासुर, जिसे ये वरदान प्राप्त हुआ था कि और कोई नहीं केवल महादेव और माता पार्वती का अंश ही उसका वध कर सकता है। इसलिए माता पार्वती को माँ बनना अनिवार्य हो गया। इकुटा एक प्रश्न पूछो, कार्तिकेय के छह सिर क्यों है? बताओ तो त्रिपुटा, किनके कारण छह सिर बने इनके? भंडासुर, एक बार महादेव तपस्या कर रहे थे तो कामदेव ने उनका तप भंग कर दिया। महादेव को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला, कामदेव चलकर फंस गए। चल गए, किंतु उनकी राख बड़ी दैवीय थी। आसुरी शक्तियों ने इसका लाभ उठाया और उस राख में प्रवेश कर गए और इससे जन्म हुआ भंडासुर का। भंडासुर की नहीं स्कंद माता की कथा सुना रही थी त्रिकुटा। वही कथा है, सुनो तो। शिव और शक्ति की नित्य से जन्मी उस नई शक्ति पिंड को भंडासुर पाना चाहता था और वो खाट लगाकर बैठा था। महादेव और माता पार्वती तो समाधि में थे। उस शक्ति पिंड की रक्षा कौन करता? तो अग्नि देव आए और उसे उठा लिया, किंतु अग्नि देव ही जलने लगे। और जब अग्नि देव को भी इसका ताप सहन नहीं हुआ
तब उन्होंने इसको गंगा माँ को सौंप दिया। तब गंगा माँ के ऊपर भी संकट आया और उस पिंड को छीनने के लिए भांडासुर देवी गंगा के पीछे भागने लगा और अंत में देवी गंगा के हाथ से भी वो पिंड छूट गया और पानी में बहने लगा। बहते बहते वो शक्ति पिंड कंस के खेत में जाके गिरा और उसके 6 टुकड़े हो गए। देवी पार्वती दुखी हो गई, किंतु महादेव ने उन 6 पिंडों को जोड़कर एक कर दिया। इस शक्ति से जन्म उनके पुत्र के 6 शेष हुए। इसलिए उन्हें शनमुख भी कहते हैं। अपने पुत्र को गोद में लिया तो माता पार्वती के आनंद की सीमा नहीं रही। शक्ति पिंड के 6 टुकड़े हुए थे, इसलिए उनके पुत्र को स्कंद भी कहते हैं और माता पार्वती को स्कंद की माता, जिनकी आज हम पूजा कर रहे हैं।